डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम सीटेट एग्जाम में इंग्लिश पेडागॉजी का एक टॉपिक देखेंगे, फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो क्वेश्चन आता है कि बच्चा कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है, एक्विजिशन कैसा होता है लैंग्वेज का। आप लोगों को तो पता है कि लैंग्वेज लर्निंग एक होती है, जो हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो उसे कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग, जो हमारी L2 होती है, जिसे टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन होता है कि हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। बच्चा चाइल्ड लैंग्वेज को हासिल करता है, एक्वायर करता है, जिसे हम हमारी लैंग्वेज फर्स्ट भी कहते हैं, मदर टंग भी कहते हैं, एंड वर्निकुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है उसे। तो आज हम देखेंगे फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमारी इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीटेट, महाटेट और टाइट एग्जाम की नेक्स्ट बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 4 फेजेस होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। बच्चा जब लैंग्वेज को सीखता है, उसे हासिल करता है, तो उसके 4 फेज होते हैं। एक है रिसेप्टिव फेज, प्रोडक्टिव फेज, 1 वर्ड फेज एंड 2 वर्ड फेज। रिसेप्टिव फेज क्या होता है? रिसेप्टिव फेज, चाइल्ड ऑब्जर्व देयर एल्डर, बच्चा अपने बड़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है उनको, अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड लैंग्वेज, और वो वर्ड्स को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। गेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, खुद कुछ बोल रहा है क्या नहीं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गेन कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। क्यूइंग की स्टेज होती है, हमें पता है कि डिफरेंट स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्यूइंग, बबलिंग, 1 फेज, 1 वर्ड फेज, 2 वर्ड एंड लॉन्ग सेंटेंस। तो सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेज होती है जबान सीखने की, वो है क्यूइंग। तो क्यूइंग 6 वीक का जो बच्चा होता है, एक 6 हफ्ते का जो बच्चा होता है, वो क्यूइंग करता है। क्यूइंग में क्या होता है, बच्चा डिफरेंट टाइप की सिर्फ आवाजें निकालेंगे, सिर्फ साउंड को निकालेंगे, जैसे कि ई, ए, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो साउंड को निकालता है बच्चा, उसको क्यूइंग कहा जाता है, जब बच्चा 6 वीक का होता है। प्रोडक्टिव फेज सेकेंड होता है, प्रोडक्टिव फेज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसिव फेज। अब ये जो प्रोडक्टिव फेज होता है, तो प्रोडक्ट से ही समझ में आ गया हमको कि यहाँ पे बच्चा कुछ प्रोड्यूस करेगा, खुद कुछ बोलेगा, तो इसे एक्सप्रेसिव फेज भी कहा जाता है, यानी कि बच्चा इसमें एक्सप्रेस करेगा, जाहिर करेगा। चाइल्ड यूज लैंग्वेज, बच्चा अब यहाँ पे कुछ तो बोलता है, इसलिए चाइल्ड लैंग्वेज को यूज भी कर रहा है। एक्सपेरिमेंट विथ साउंड, अब बच्चा यहाँ पे साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, मतलब कि जब वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट करना साउंड के साथ। बबलिंग की स्टेज होती है ये, और बच्चा यहाँ पे 6 मंथ का हो जाता है, पूरे 6 महीने का हो जाता है बच्चा। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, फर्स्ट जो होती है क्यूइंग, सेकेंड होती है बबलिंग, तो बच्चा बबलिंग वाली स्टेज में यहाँ पर आ जाता है। फोनेम्स होती है यहाँ पे। अब फोनेम्स किसे कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जो साउंड होता है उसका एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है फोनेम। जैसे कि बच्चा बोलेगा माँ, पा, जा, इस तरह से यहाँ पे बच्चे ने कहा है माँ, तो इसने एम का साउंड और ए का साउंड, देखिए 2 साउंड को यूज किया है ना बच्चे ने, यानी कि बच्चा यहाँ पे यूज कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे उसने 2 साउंड को यूज किया है। नॉट प्रोड्यूस एनी रिकॉग्नाइज वर्ड, यहाँ पे बच्चा कोई भी रिकॉग्नाइज वर्ड को नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि ये डिफरेंट साउंड को यूज करता है, बस एक्सपेरिमेंट करता है यहाँ पे डिफरेंट साउंड के साथ। तो ये होता है प्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट होता है 1 वर्ड फेज, जब बच्चा 1 साल का, 1 ईयर का हो जाता है चाइल्ड, कॉल्ड होलोफोरेटिक स्टेज, इसका एक और नेम है, ये आपको याद रखना है, होलोफोरेटिक स्टेज, जब बच्चा 1 वर्ड फेज में होता है। चाइल्ड प्रोड्यूस आइसोलेटेड सिंगल वर्ड, अब आइसोलेटेड वर्ड किसको कहेंगे, कि यहाँ पे बच्चा एक ऐसा वर्ड यूज करता है, जैसे कि बच्चे ने कहा है मिल्क, मिल्क,
अब ये एक आइसोलेटेड वर्ड बच्चा कहेगा मिल्क, इसके ये टुकड़े नहीं कर सकता, ऐसे इसे तोड़ के नहीं बोलेगा बच्चा, बिल्कुल मिल्क है, उसे मिल्क चाहिए तो बच्चा मिल्क ही कहेगा और पूरा एक आइसोलेटेड वर्ड कहेगा, पूरा एक सिंगल वर्ड बच्चा बोलेगा जिसे वो तोड़कर नहीं बोलेगा। हमने देखे थे कि जो सेकेंड फेज था उसमें बच्चा क्या कर रहा है, साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो पूरा वर्ड बोल रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा वर्ड बच्चा बोलेगा। यूज मैनी साउंड, अब जैसे कि बच्चे ने कहा है मिल्क, तो मिल्क में उसने क्या किया है, बहुत सारे साउंड को यूज किया है, जैसे कि एम का साउंड, आई का साउंड, एल का और के का, तो यहाँ इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बहुत सारे साउंड को भी यूज करता है। और यहाँ पे मॉर्फेम बच्चा सीख लेते हैं, मॉर्फेम क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड, एक स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड को मॉर्फेम कहा जाता है, जैसे कि बॉल, ये एक वर्ड है जिसके अपने मीनिंग होते हैं, मिल्क ये एक वर्ड है जिसके अपने मीनिंग है, तो इसे मॉर्फेम कहा जाता है। तो मॉर्फेम किस फेज में आती है बच्चे में, तो वो है थर्ड वन वर्ड फेज, और लास्ट है उसमें टू वर्ड फेज। टू वर्ड फेज ऑल्सो कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच और SMS लैंग्वेज, आपको ये याद रखना जरूरी है कि टू वर्ड फ्रेज जो होता है उसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं या फिर SMS लैंग्वेज भी कहा जाता है। चाइल्ड प्रोड्यूस टू वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, टू वर्ड्स यूज करता है और सेंटेंस को बोलता है, वो उन टू वर्ड्स में ही अपने पूरे मीनिंग्स को बता देता है, जैसे कि उसे कहना है गिव मी, उसे कुछ चाहिए तो वो कहेगा गिव मी, तो सामने वाला समझ जाएंगे कि उसे वो चाहिए। पुट ऑन, पापा कम, इस तरह से टू टू वर्ड बच्चा क्या करेगा, यूज करेगा अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये होता है टू वर्ड फ्रेज जो लास्ट है, और इसमें बच्चा वन ईयर के ऊपर जाता है, वन ईयर के ऊपर का ये एज होंगी बच्चे की। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर।